कम शब्द में इतनी बात करना चाहूं कि आपने बीच में और सौभाग्य को विषय है कि आजादी के बाद पहली बार एक सुशिक्षित और सगड़ा पढ़ी लिखी उम्मीदवार अपनी बेटी अपनी बहन प्रीति शर्मा आपके बीच में है। लाल 75 साल में अलग अलग लोग ने जाति पंथ रंग संप्रदाय की राजनीति में थे वोट दियो, अब की बार आपने वोट आपने उम्मीदवार शिक्षित रेवा और शिक्षित उम्मीदवार ने आपने वोट देवा ताकि विधानसभा तक आपने हक और अधिकार में तरीकों आपने हानि और आपने लाभ ने तरीकों पढ़ लिख कर जनता के बीच में ला सके और इतो भरोसा ही परिवार पर और ये उम्मीदवार पर रखो कि अगर सरकार 100 रुपया दिया तो 5 रुपया कन्नौर अलार 105 रुपया थारे ऊपर खर्च कर सी। इनके अलावा नेतृत्व है और मार्गदर्शन आपने श्री डूंगरगढ़ की भाजपा का भीष्म पिता में कृष्णा राम जी नाई को जो नेतृत्व मिल रही है इनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सके। अगले 5 साल तक श्री डूंगरगढ़ विधानसभा पूर्ण रूप विकासशील रसी ये वास्ते मेरा आपने निवेदन है कि 25 तारीख ने हीरो जो को चुनाव चिन्ह है हीरे के ऊपर आपने वोट दे के और एक अच्छे जोरी होने को सबूत पैदा करना है सबूत विश्वास जतानो है और आपने बहन प्रीति शर्मा बेटी प्रीति शर्मा के पक्ष में वोट करा के और 3 दिसंबर ने श्री डूंगरगढ़ की विधानसभा आजादी के बाद पहली बार कोई मातृशक्ति ने विजयी करवानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी गांव की कुछ महिला शक्तियां हमारी 85 चुन भी उठाकर के आशीर्वाद दे रही हैं। इसी गांव की महिला शक्तियां अब माल्यार्पण का कार्यक्रम है। मैं आशीष जारीवाल से अनुरोध करता हूं कि वो स्वागत करें। पूर्व विधायक महोदय कृष्ण राम जी रो और जुगल भाई जुगल जी दामिया समाज सेवी मामा साहब और स्वागत वास्ते राधा किशन जी नेक जी जुगल भाई स्वागत करो। गणेश राम जी सारू निवेदन है की गणेश राम जी गणेश राम जी मेघवंशी जी गणेश राम जी मेघवंशी जी जुगल भाई स्वागत करें। मदन सिंह जो निवेदन है मालवान निवेदन है कि मैं पास दे मऊ ना बोल जाता बागू सिंह जी स्वागत करते हैं। स्वागत हो रहे हैं सारा मान लिया तो माफी का वो नाम पूछ लिया तो अब मैं निवेदन करूं दोस्त विधानसभा प्रत्याशी श्रीमती प्रीति शर्मा एवं सामाजिक मंच एवं ग्राम के आए हुए मेरे भाइयों बंधुओं नागरिकों आज आपके बीच में किए गए मेरे अपील करना है कि प्रीति शर्मा है की निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरी है। एक सन 1952 बाद में पहली महिला है। ये बात मेरे पसंद हो महिला इरादे ने देश का निर्धन किया गया काम आज पर समय काम काज उसकी क्यों हर जगह भी आज महिला ने उत्थान करने वास्ते सरकार ने भी जोर पाए अपा ने भी आगे लेने चाहिए। ये वास्ते ब्राह्मणी तो लड़की आ और लान मांग लिए किसी रो आमने भक्त बड़ो जो कराता ही किए कि आप अंका ब्राह्मणी लड़की जाओ लोग साधना में चार भक्त करे तो ब्राह्मण बेटी ने बुलाए वो दान देवाई ना वो दान घर बैठे ही आज जोड़ी देखो कि आप ये कितने दान जाता है जिंदगी आ याद रखी राम ने उम्र रखी जय यार विचार व्यक्त करें। भारत माता की शाबाश शाबाश। आपने डूंगरगढ़ विधानसभा रो चुनाव के बारे में कहे बोले मैं हर नागरिक हर कार्यकर्ता चर्चा करें और उम्मीदवार जो है अपना आप की बेटी है
और आखिरी उद्देश्य थारे विकास वास्ते यहाँ धनवास गांव बहुत ही प्यारो गांव है और भी न मैं कभी भूल कौन सकू। थे मैंने बहुत मेहनत कर 3 बार विधानसभा में भेजो, जबकि भी आप आदेश दिया पानी दी विधि या मैं पूर्ति करी। अब की दफा पार्टियां उत्सुक फिक्र देने के बाद काफी कार्यकर्ता इच्छा हुआ डोंगरगढ़ में और कहो भाई आर्थिक पार्टी बहुत गलत दे दी, इस वास्ते कोई उम्मीदवार तैयार करो। पर उम्मीदवार सारे जी सो होना चाहिए ताकि विकास का काम से कराए हो सको, मैं भूल कौन सका। ये वास्ते कम से कम 3-4 हजार कार्यकर्ता इच्छा हुआ और ये बेटी परिचय और नाम निकाले और पढ़ी लिखी लड़की है और मन विश्वास आई रहो कि आपने क्षेत्र में पूरा विकास का काम करा थी और हर कार्यकर्ता सुख और सुख में आशा तैरे थी। आप लोगों में निवेदन प्रार्थना आज और करो कहीं ने देखो हीरो थी ना हीरो हीरे पर निशान लगा के और इन विधानसभा में भेज दो। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। अब मैं निर्णय करूँ प्रत्याशी पीटी शर्मा हूँ कि मैं आप विचार व्यक्त करें। बालाजी महाराज जी जय हो। स्वयं कला जगह मार बडोड़ा बैठे हो बन सब ने प्रणाम करूँ और जबकि मार मात्र शक्ति दो हिम्मत कर आगे आई बने भी आभार व्यक्त कर अपने समाज में न हुए। आज मैं खाली समझाना आई हूँ, देखो ये दो महिला ही ये शौचालय में कट फंस गया तो बा चीज अपन हो रही है बा मत को अब कौन करनी नहीं। अब महिला शक्ति ने आगे ले रहा है क्योंकि आप हर व्यक्ति ने मौको दे दियो, हर व्यक्ति ने आप हर पार्टी ने मौको दे दियो तो ये बेटी ने एक मौको क्यों नहीं मिले। आप बेटी बहुत उम्मीद कर रही है कि आपकी जनता के बीच में आवे जनता की सेवा मायने लागे तो आप खुद चला रही है जनता की सेवा करने तो एक मौको तो थे भी दे सको। आपने जो वो एक वोट है बहुत कीमती है आप 5 साल लारे जा पे अगर गलत ने दे दियो तो वो अपने हाथ में लेके अपने आगे जाना है या लारे जाना है। अगर लारे आप जानते ही आ रहे हैं अभी इतना सालों वोट दे रहे हैं तो अपने कठे में इतना गाँव में गया इतनी क्षेत्र में गया कठे भी हर जगह समस्या ही समस्या है। कठे भी व्यवस्था कौन है ना पानी की व्यवस्था है ना कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर कौन है तो बात चीज अब कौन हो गए क्योंकि क्षेत्र अपन बहुत पिछड़ चुकी हो यहाँ लगे कि आप आजाद हुए अभी अब देश यहाँ लगे लेकिन अपन पिछहत्तर साल हो गया लेकिन अपन यहाँ लगे आजाद तो हुए एक दो दिन हुए अभी इसी हालत हो रखी है तो अब अभी सी कौन करनी है नहीं अभी मात्र शक्ति ने आगे लाना है। और हाँ जो बिनती अगर थे वो मैंने वो कर्ज मारे ऊपर चढ़ाए हो तो मैं जिंदगी भर थारो कर्ज निभाती रहू और अपन क्षेत्र नो विकास करते रहो। मन देखो कूड़ा वादा करना आवे कौन भी कूड़ा वादा करता हुआ आवे जगह मन सबरे चेहरे में लागे कि आप भी कूड़ो वादो ही करेला लेकिन मन कूड़ा वादा कौन करना मन जकी जकी बात बा बोल रही हूँ। देखो दादो जी आप पर विश्वास मतलब मारे पर विश्वास दिखाए तो मैं भी तो सारे पर विश्वास दिखा सू और दादो जी रो जो विश्वास रखे तीनों भी तो मन मान रखो जरूरी है फिर तो मैंने कद पकड़ो दादो जी आप हमारा कान पकड़ी कि थारे चक्कर में गांव में गयो और लोगों ने भरोसा दे रहे हो तू ही व्यवस्था कौन करी नहीं तो बात चीज मैं करूँ कौन क्योंकि मैं दादो जी रो और थार लोग सब रो मैं मान रख सू और अपन क्षेत्र रो विकास करा सू। बस मौको थाने एक देना पड़ेगा ही बेटी ने एक मौको लेना ही है बेटी थार कने फिर वास्तव ये बेटी ने मौको देना है जात पात ने भूलनो है और अपन पार्टियां ने भूलो है पार्टी अपने घर कौन बना देने ना अपन घर ही व्यवस्था करे घर बनाना तो दूर जका अपना हक है किसान का हक है जकी योजना है बे खा रही है हक बे भी छीन रहे है तो हक तो भी अपना कोई दे रहा है को ना अपन कोई सहायता कर रही है बल्कि अपने खाडो बना भी मंगालते जा रहे है दसाते ही जा रहे है रे खाडा अपने ही बन रहे है गलिया मायने इन वास्ते अपने बाने पूर्ण है और जगह भ्रष्टाचार ला रहे है ना सबने भगाना है तो हाथ जोड़ बिनती है जागरूक होना है अपन सबने और एक तरफा वोट डाल विजय बनाना है और जो मारो निशान है वो है हीरे रो और हीरे रो पहचान थाने कर हीरे ने एक मत देना है और वो हीरो थार लोगा वास्ते हमेशा थार लोगा ने चमक थार लोगा ने भी दिलासी बार रोशनी थार लोगा रे ऊपर भी रेसी। बस हाथ जोड़ बिनती है कि एक मौको जरूर दिया। धन्यवाद। भारत माता जी।